हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आप इससे पहले इस टॉपिक में देख चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। आज टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का। तो प्रकाश के अपवर्तन में टॉपिक में आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है, लाइट होते हैं उन्हीं लाइट का जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो लाइट में बताया गया था कि लाइट जो होते हैं 7 कलर से मिलकर जो है बने होते हैं, या 7 कलरों के मिक्सर होते हैं, या मिक्सिड होते हैं, या आपस में मिलकर बने होते हैं, तो इसे जो है लाइट कहते हैं। लाइट जो होती है हमें वस्तु को दिखाती है या दिखाने का प्रयत्न करती है। ये खुद तो नहीं दिखती है, तो हमें आँखों से जो दिखाई देती है वो जो है कुछ ये तरंगे होती हैं जो आँखों से हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। और बाकी बहुत सारे तरंगे हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, तो वो जो है लाइट नहीं है। तो वो जो है तरंग के माध्यम से उनकी लैम्डा जो होती है, लैम्डा की तरंग दैर्ध्य जो है ज़्यादा होती है या कम होती है, जो मुझे दिखाई नहीं देती है। तो जो ये विजुअल होते हैं लाइट, क्या होते हैं? विजुअल होते हैं। ये विजुअल लैम्डा या तरंग स्पेक्ट्रम के तहत जो है आते हैं। आपको स्पेक्ट्रम चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो आप वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लाइट आप इतना नॉर्मल जाने कि ये वस्तु को दिखाता है या दिखाने का प्रयास करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो लाइट यहाँ फिर से आपको दिखाया जा रहा है, ये लाइट है, किसी बत्ती से आ रही है जो हमें वस्तु को दिखाने का प्रयत्न करती है। ये सूर्य का लाइट है जो देख रहे हैं यहाँ पर, 7 करोड़ों पे ये जो है विभाजित हो रही है। ठीक है, तो ये सूर्य के लाइट है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लाइट जो होते हैं 7 रंगों में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। तो हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि किसी जो है कोई भी वस्तु एक चमकदार तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें एंगल वंगल भी बना था। तो आप अपवर्तन का पढ़ेंगे तो वीडियो में बने रहें, अपवर्तन को आप सिर्फ 5 मिनट में सीख लेंगे, और इससे आपको बार बार उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में सीखेंगे आप बेहतरीन, एकदम मस्त वाला। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन में, हिंदी मीडियम से देखते हैं कि जो है ये माध्यम हम लिख दिए हैं यहाँ पर, माध्यम μ1 है, ये माध्यम μ2। माध्यम क्या होता है? कोई भी जैसे एक वायु मान लो, एक जल मान लो, ठीक है, तो ये माध्यम है। अवधक क्या होता था प्रकाश के परावर्तन में? प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरण आता था किसी तल से टकराने के पश्चात जो है उसी माध्यम में क्या होता था? वो वापस हो जाता था। जैसे ये आता था टकराने के पश्चात तो उसी माध्यम में क्या होता था? वापस हो जाता था। लेकिन अब की बार प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा? प्रकाश किरण आएंगे और टकराने के पश्चात वापस नहीं होंगे, वो दूसरे माध्यम में क्या होंगे? चले जाएंगे। और दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात वो जो है अपने इसी पे एक अभिलंब डाला जाएगा, उसी के सीध पे वो अपने अभिलंब की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। मतलब चाहे वो अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं या अभिलंब से दूर हट जाते हैं, तो इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आ रहा है अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है। ये झुक क्यों जा रहा है, इसके लिए जानने के लिए वीडियो में बने रहें, और तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे हम देखते हैं कि ये झुक क्यों जाता है, ठीक है, और वो इंग्लिश मीडियम का है, थोड़ा सा आप और भी अच्छे से जान जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल बना है, कि यहाँ सोर्स लाइट दिखाया गया है, ये जो है प्रकाश का जो है अभिलंब है, या जिसे नॉर्मल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रकाश का अभिलंब है, जिसे नॉर्मल हम कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक माध्यम जो अभी हम बता रहे थे, तो उसमें माध्यम को जो है म्यू माना गया था, तो बीच से कोई मतलब नहीं है कि इसमें माध्यम दिखा दिया गया है। माध्यम क्या है? तो माध्यम जो होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माध्यम जो है इसमें एयर है। माध्यम क्या है? एयर है। तो प्रकाश के परावर्तन में आपने देखा था कि लाइट आती है, आने के पश्चात इससे टकराने के पश्चात क्या होती है? वापस चली जाती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट आई है, आने के पश्चात जो है अगर यहाँ से अंदर न जाती तो टकराने के पश्चात इसी माध्यम में क्या हो जाती? रिफ्लेक्ट रे हो जाती। लेकिन ये जो है अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरण आते हैं और एक माध्यम से चलते हैं, और जो है दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करने लगते हैं तो उसी पे एक नॉर्मल या जो अभिलंब बना दिया जाता है, वो जो है अपने कोण की तरफ क्या होते हैं? झुक जाते हैं। तो ऊपर वाला जो माध्यम है एयर है, और नीचे वाला माध्यम वाटर है। तो आप सीधा सीधा जानिए कि जब प्रकाश किरण जो है किसी विरल माध्यम से, जो माध्यम जो है सघन ना हो, विरल माध्यम से चलते हैं, ठीक है, जैसे प्रकाश से चलते हैं जो, तो प्रकाश से जब ये चलते हैं विरल माध्यम से, तो ये जो है अभिलंब से टकराने के पश्चात जो वह अपने, ठीक है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करते हैं तो ये जो नॉर्मल बना है, तो ये नॉर्मल से ये अपने अभिलंब की तरफ क्या होते हैं? झुक जाते हैं। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ कोण बनाया गया है θ1 और यहाँ कोण θ2। तो ये अपने अभिलंब से टकराने के पश्चात जो वह अपने अभिलंब की तरफ ही क्या हो गए? झुक गए हैं। तो प्रकाश किरण जो होते हैं जब विरल माध्यम से चलते हैं, तो टकराने के पश्चात जो अपने अभिलंब की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। इसी तरह जब ये प्रकाश किरण नीचे से, देखिए वाटर से भी निकाला गया है, जब ये जो है सघन माध्यम से चलते हैं, तो सघन माध्यम से चलने के पश्चात जब विरल माध्यम में जाते हैं तो अपने अभिलंब से क्या होते हैं? दूर हट जाते हैं, अपने अभिलंब से दूर हट जाते हैं। यहाँ पर ये रे जो इसका बना है यही है। जबकि अगर यहाँ पे मान लो कोई चमकदार पॉलिश रख दी गई होती, तो ये टकराने के पश्चात इसी माध्यम में क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो प्रकाश के
अपवर्तन यही है, आप वीडियो में बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को रिवाइज कर करके जरूर देखें।